हमें जिंदा किया वो हमारे साथ जन्नत में, ये मफहूम है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जो अपने हिसाब से अपने फैला पैदा कर। पाकिस्तान सोसाइटी जिस तंजीम का नाम है, उसने हमेशा हद तक का फिक्र से और हालात के मुताबिक जो भी यहाँ पर काम करने वाला, चाहे मसाजिद के अंदर है, शायर है, लिखने वाला है, पढ़ कर पढ़ाना है, बदलाने वाला है, सब का हमेशा ख्याल रखा है और उनको हमेशा साथ लेकर चले। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है इस जगह में आकर बैठ गया हूँ। आप यकीन करें कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जगह है और मेरे लिए बहुत बड़ी आनर है कि मैं आपने इन बुजुर्गों के साथ बैठा हूँ। मैंने डेनमार्क में तकरीबन 50 साल गुजारे हैं और उसमें लिखने वाले, कहने वाले, सिखाने वाले, बतलाने वाले जो आपके सामने और मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने अपनी जगह बहुत काम किया और मैंने इनसे सीखा। मैं वो मनीर नहीं हूँ जो टाट पर बैठ कर पढ़ा हूँ तो किसी के नकल मारी तो ऐसे काम चला लिया। मैंने दर हकीकत इनसे सीखा है और इनसे सीख कर इस मुआशरे के अंदर जो भी अपनी आवाज आप लोगों के साथ मिलकर हम लेकर चले। अब क्योंकि मोहतरम नसर मलिक साहब की बात हो रही है और बयान हो रहा और माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम से इसका इनका तलक रहा है और मैं किसी को बड़ा सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि वो मेरे से उम्र से बड़े हैं, वो तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो बड़ा काम करें वो मेरे लिए बहुत बड़े होते हैं और नसर मलिक साहब उनमें से एक हैं मेरे बुजुर्ग जिन्होंने वाकई पाकिस्तान के लिए और यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया। सिर्फ हमें रेडियो डेनमार्क से उन नशरियात में नहीं कुछ चीज़ें खबरें सुनाई, इन्होंने इन साल भी बहुत सारा काम अपने मुल्क के लिए किया। थोड़ा सा मैं भी अंकल अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, वो बहुत जल्द ये डेनमार्क छोड़कर चले गए, लेकिन तारक असकरी साहब, ख्वाजा आसफ साहब, इस्लाम साकी साहब, इन्होंने जो कुछ लिखते रहे और अपने वतन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने दीन के लिए, वो चीज़ें अपनी जगह हैं। उन कोई उसमें यानी कि वो अपनी जगह बहुत बड़ा अपना रुतबा रखती हैं। तो जफर अंकल, मैं अंकल कहूँगा क्योंकि मैं वाकईतन उन्हें छोटा था और आपको याद है कि जब आप आए थे, मुझे ये भी एजाज़ है कि जो पहले शुरू में वो दाल रोटी वाले खाने थे, शायद हमने इकट्ठे ही खाए थे उस वक्त, ये भी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल थी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मेरे पास बाखुदा ये चुन चुनाव के आगे पीछे के चंद अल्फाज हैं जो मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। मलिक साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ और मुझे पता है ये कि अल्लाह ताला ने जितनी आपको ज़िंदगी देनी उसका बड़ा हिस्सा भी आपने उसी तरह हम सब के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए जितना कुछ भी आप कर सके आपने करना है, क्योंकि आप